ब्रीडिंग सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें यकीनन फिक्र अपने स्पेशली ब्रीडर पेयर्स की इसलिए लगती है क्योंकि हमें ब्रीड लेनी होती है, ठीक है। और साथ ही ये भी हमें डर होता है कि कहीं हमारा बर्ड बीमार ना हो जाए, कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा सही है, या इसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूला कौन सा ज़्यादा सही है, ये दो चीज़ें जो है हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने सेटअप पर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करती हूँ सीड्स में, ठीक है। अब सीड्स जैसे कि हम सबको ही पता है कि एक्जॉटिक बर्ड्स को कौन से सीड्स दिए जाते हैं, मगर उसका कुछ प्रोसेस होता है कि अगर हम उस तरीके से देंगे तो हमारा बर्ड सेफ भी रहेगा, हमें कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे भी जो है हम उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को देते हैं, देखिए मेरे पास ये एक्जॉटिक बर्ड्स के सीड्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास छोटे बर्ड्स हैं, बजेस वगैरह हैं, उनके भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप खाली बाजरे के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये वेल एंड गुड है। अब देखिए मैंने क्या किया कि जितने भी सीड्स आपने देने हैं अपने बर्ड्स को एक टाइम पे, ठीक है, मैं इस हिसाब से बता रही हूँ जिनके पास बर्ड्स कम है, यानी अगर दो से तीन पेयर्स हैं तो हम उस हिसाब से जो है मैं काउंट करूँगी, ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको मिकदार बताऊँगी। तो ये मैंने क्या किया कि सीड्स को जो है मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ठीक है। ये सीड्स को हमने थोड़ा सा गर्म करने के बाद, यानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, लो फ्लेम में आप हल्का सा जो है किसी भी पैन में डाल के और इसको आप गर्म कर सकते हैं। तो ये हल्के नीम गर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, ये है। अब हमने क्या करना है कि देखिए मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बर्ड्स को गर्म भी रखेंगी सर्दी के टाइम पर, और साथ ही जो है ब्रीड के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि हमारा बर्ड्स अगर गर्म होगा तो वो किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, जो कि अक्सर मैं अपने हर फार्मूले में भी इस्तेमाल करती हूँ और साथ ही मैं सीड्स में भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी देखिए मैंने इसमें जो है थोड़े से ये आप समझिए कि चंद ही ड्रॉप जो है मैंने इसमें डाल दिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये तो हम सबको ही पता है कि जैतून के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जो ही ऑलिव ऑयल की बात आती है, तेल की बात आती है, तो हम इसके फ़ायदे के बारे में अगर बात करते हैं तो यकीनन उसमें सबसे पहला जो है कि आपको बर्ड्स को ब्रीड की तरफ लेकर आएगा, एग बाइंडिंग का मसला ख़त्म होता है, बर्ड्स ब्रीड की तरफ लगता है, कोई भी आपको फार्मूला अदरवाइज़ इसके अलावा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ही जो है मैंने डाला है देसी घी। अब देसी घी देखिए इसको हम मुस्तकिल डेली बेस पर तो इस्तेमाल नहीं करवा सकते, मगर हम इस तरीके से हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है सर्दी में, या जब मौसम चेंज हो रहा हो, ठीक है। इससे ये है कि बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ये दोनों चीज़ें आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऑयल या जो हमने देसी घी डाला है वो ज़्यादा हो गया है, तो आप इसमें थोड़े से जो गरम सीड्स मेरे पास हैं वो आप इसी तरीके से जो है थोड़े से मिला सकते हैं, ठीक है। ये हमने अंदाजे के तौर पे इसमें चीज़ें ये दोनों ऐड की हैं, उसके बाद अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा कि आपका बर्ड जो है वो हीट की तरफ ज़्यादा आएगा, ब्रीडिंग मूड की तरफ आएगा, क्योंकि मैं अपने सेटअप पर इसी तरीके से इस्तेमाल करवाती हूँ। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है, क्योंकि अक्टूबर तकरीबन ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो अब हमारा प्रोसेस जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक जाएगा, ठीक है। तो नवंबर से जो है हम इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं और ये चीज़ें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाले टाइम में ब्रीडिंग फार्मूला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद यही था कि नवंबर का महीना बिल्कुल शुरू हो रहा है, आप लोग भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, आपके बर्ड्स को एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कुदरती नेचुरली तौर पर जो है अपने आप को महफूज रख सकेगा इन चीज़ों से, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।